लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। हनुमानपुरा गांव में शहीद कालूलाल नागर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर सैनिक कालूलाल नागर के परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। शव को राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन किया गया। शहीद को गॉड ऑफ ऑनर पेश किया। क्षत्रिय विधायक और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, पंचायत समिति प्रधान पदम नागर से पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले पश्चिम बंगाल के पानागढ़ आर्मी कैंप से हवाई मार्ग द्वारा शव को जयपुर लाया गया, जहां से आज सुबह शव हिंडोली पहुंचा। हिंडोली शहीद स्मारक पर लोगों ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाद में शहीद कालूलाल नागर की पार्थिव देह को पैतृक गांव हनुमानपुरा लाया गया, जहां राजकीय सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि बंगाल के पानागढ़ आर्मी कैंप में कालूलाल नागर चालक के रूप में तैनात थे, जहां पर शनिवार शाम करीब 5 बजे के आसपास ट्रक के टायर में हवा भरते समय दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में उनकी मौत हो गई।